बागेश्वर के जंगल लगातार आग से धधक रहे हैं। बागेश्वर के अलग अलग 21 जगहों के जंगलों में आग लगी हुई है। जिले में खाबड़ोली, कुलाऊ, पुंजर, हड़बाड़, पालड़ी, शिखरकोट, लेटी और धुराफाट सहित 21 क्षेत्र के जंगल आग से धधक रहे हैं। चीड़ के जल रहे जंगलों से भारी मात्रा में धुआं निकल रहा है, जो दिन में भी अंधेरा कर रहा है। धुएं से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर के सभी अस्पतालों में स्किन रोग व श्वास संबंधी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। जंगलों में आग की घटनाओं के मामले में प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले बागेश्वर में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है। बागेश्वर में और हमारे जो गरुड़ ब्लॉक में है, बैजनाथ क्षेत्र में, यहाँ पे भी काफ़ी धुंध की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे भी आग लगी है। वन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो इसी क्रम में ये जो इसकी जो राख है जो वातावरण में जा रही है, धुंध की स्थिति हो गई है, फ्रेश जो एयर है उसकी जो कमी हो गई है, उससे रिलेटेड जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने की बीमारी है, लंग्स या फेफड़े संबंधी कोई संक्रमण है, दिक्कत है, तो इस प्रकार की दिक्कतें यहाँ बहुत बढ़ रही, और इसी क्रम में हॉस्पिटल में भी इससे रिलेटेड मरीज आ रहे हैं, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, काफ़ी मात्रा में स्किन से रिलेटेड जैसे इन्फेक्शन है, एलर्जी है, किसी को हल्की एलर्जी होती है तो इस वातावरण में उसकी एलर्जी बढ़ जाती है, तो इस प्रकार के रिलेटेड मरीज हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।